नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर दिल्ली बाईपास रोड पर अचरौल के पास शुक्रवार को एक वीडियो कोच बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। इससे बस में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। लाइन टकराने के बाद पूरी बस में करंट फैल गया और बस से निकलने के लिए यात्रियों में भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस में यात्रियों को निकालना शुरू किया। चंदवाजी थाना पुलिस SHO अनीता मीणा ने बताया है कि इस घटना में लगभग 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जो 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनमें से 3 ने अस्पताल में पहुंचने के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए जल्द ही हावड़ा बाड़मेर हावड़ा साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल रेल सेवा का संचालन फिर से शुरू करने जा रहा है। यह रेल सेवा पूरी तरीके से आरक्षित होगी। इस रेल सेवा में फर्स्ट AC, सेकेंड AC और थर्ड AC, द्वितीय शयन यान, द्वितीय कुर्सी यान, बैटरी कार व पावर कार डिब्बे होंगे। इस ट्रेन का संचालन अगले महीने से फिर से शुरू होगा। दिसंबर महीने में यह ट्रेन दोनों तरफ से 4-4 ट्रिप करेगी। यह ट्रेन वाया जोधपुर, रतनगढ़, सादुलपुर, रेवाड़ी और दिल्ली होकर चलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के अनुसार गाड़ी संख्या 02323 हावड़ा बाड़मेर साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल रेल सेवा 4 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच 4 ट्रिप करेगी। यह प्रत्येक शुक्रवार को हावड़ा से शाम 6:15 बजे रवाना होकर रविवार को सुबह 7:05 पर बाड़मेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02324 बाड़मेर हावड़ा साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल रेल सेवा दिनांक 9 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के बीच 4 ट्रिप करेगी। इस अवधि में यह प्रत्येक बुधवार को बाड़मेर से दोपहर 3:55 रवाना होकर शुक्रवार को सुबह 5:30 हावड़ा पहुंचेगी। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। गहलोत कैबिनेट पर कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक मंत्री इसकी चपेट में आते ही जा रहे हैं। 4 दिन पहले यानी सोमवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पॉजिटिव आने के बाद शुक्रवार को यानी कि आज वन मंत्री सुक्काराम बिश्नोई भी इसी बीमारी की जद में आ गए हैं, जिन्हें जयपुर के प्रताप नगर स्थित RUHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी से जुड़ी आपको बड़ी खबर देते। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड सेंटर RUHS में बुधवार देर रात करीब 2 बजे से लेकर 3:30 बजे ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से मरीजों की मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 1.5 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई, जिनमें 4 की मौत रात 3 बजे यानी कि लगभग एक ही समय होना बताया गया है। परिजनों का आरोप है कि रात में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से वार्ड में हंगामा भी हुआ था। उधर प्रताप नगर पुलिस की ओर से अस्पताल में तैनात हेड कांस्टेबल भी हंगामे की जानकारी मिलने पर वार्डों में पहुंचे थे, लेकिन तब तक मामला शांत हो गया था। दूसरी ओर खबर मीडिया में आने के बाद अस्पताल के कोविड इंचार्ज ने लिखित में कहा है कि सेंटर में ऐसी कोई भी सप्लाई बाधित नहीं हुई थी, सब कुछ सुचारू था, लेकिन फिर भी 4 मरीजों की मौत एक साथ कैसे हो सकती है। अस्पताल प्रशासन पर भी कई सारे सवाल उठते हैं। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे होने शुरू हो गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा सवेरे कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी छाया रहा। और अब मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश में शीत लहर चलने की भी चेतावनी जारी कर दी है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को पूरा हुआ है, जिसमें सुबह 7:30 बजे से 5 बजे तक का मतदान किया गया। मतदान प्रतिशत अब तक कुल 48% रहा। ज्यादातर जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। तो ये थी प्रदेश की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।